गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग कामिनी। चलो तो देखो, मैंने आपका इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा ना, उत्तराखंड वालों का, और यूपी वालों का भी वैसे ही आता है। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग स्नेहा। ठीक है, तो बात यह है कि मतलब ज्यादा डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ने की नीड है नहीं। सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? और क्वेश्चन क्या है, हर टॉपिक से थोड़े थोड़े मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और उसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो आप खुद से करोगे। वो करनी कैसे होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लो, जिन जिन पर टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? तो ये मैं उत्तराखंड के पेपर से बता रहा हूँ, और यूपी वालों के उसमें भी वैसे ही आता लगभग लगभग, ठीक है? ठीक है, तो ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना सभी लोग इंग्लिश के जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। देखो, एक तो आपको जो मतलब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, यानी कि जो भगवान में विश्वास रखता है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी में तो उसको आस्तिक कहते हैं, और वो पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, बताओ? पता है किसी को? तो देखो, उसे क्या कहते हैं ना, थीस्ट कहते हैं, ठीक है? जैसे आपने ये पढ़ा होगा, अथीस्ट पढ़ा होगा। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक होता है, और थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जैसे ये 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज को पहली बार करता है। तो ऐसे टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है? और जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, और एक एक दो और थे इसी के बेसिस पर, ठीक है? और उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाला, इसके भी दो मतलब एक दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग वाले, ठीक है? तो चार ऑप्शन दिए होते हैं और पूछते हैं वो कि भाई बताओ इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी है और कौन सी है, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पर, आप मुझे बताना कौन सा वाला सही है इसमें, ठीक है? तो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चन जैसे है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है? जैसे इसमें ऑप्शन ए है एक्वेरियम, ठीक है? ऑप्शन बी है यहाँ पर सीक्वेंस, ऑप्शन सी है यहाँ पर बुके, ठीक है? और ऑप्शन डी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो बताओ फिर कौन सा सही है इसमें से? सी सी बुके सी। सी
नहीं सर सीक्वेंस बी सीक्वेंस, सीक्वेंस यही सी होगी बुकिंग, स्पेलिंग। सीक्वेंस में एस ई के बाद सी आता है क्या? नो सर, नो सर, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बुके। बुके क्या होता है? गुलदस्ता, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, तो बुके। इसी तरीके से बुके से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर आपको लगता होगा ना, जैसे ये बुके हम बोलते हैं तो इसमें लास्ट वाला ये टी साइलेंट रहता है, ठीक है? तो इसी की तरह एक और वर्ड होता है, बफे बोलते हैं इसको, ठीक है? ये वर्ड सुना है कभी किसी ने, बफे? यस सर, देखो क्या होता है ना, जैसे आप कभी अगर होटल वगैरह में जाओ, वहां पर जैसे कई बार क्या होता है, आपका जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच वगैरह जो है वो क्या होता है, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके रूम के साथ, ठीक है? मतलब आपको खाना वगैरह भी दिया जाता है। तो उस केस में क्या कहते हैं कि आप पूछते हो कि भाई क्या है, कि मतलब आप जो है अपने आप सर्व करोगे या फिर आपका बफे टाइप का ब्रेकफास्ट है। तो बफे का मतलब क्या होता है कि लाइक उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया, जैसे शादी बारात में खाना लगा होता है वैसे वो लगा देते हैं वहां पर होटल में, ठीक है? सबके लिए ओपन होता है, आप जितना मर्जी जाओ उतना खाओ, जो चीज आपको जितनी बार पसंद आ रही है उतनी बार खाओ, तो वो लाइक वो बफे टाइप का एक ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है? तो ये एक बफे हो गया, बुके हो गया, इनकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है? तो ये स्पेलिंग वाला तो भाई आएगा ही आएगा, उत्तराखंड ले लो, यूपी ले लो, सब जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें तो यही है कि भाई आप इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि जितना अच्छे आपकी रीडिंग स्किल होगी, जितना अच्छा आप मेमोराइज कर पाओगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? ऐसे क्या करते हैं ना, ये जैसे यहाँ पर तो क्या करा इन्होंने, चारों अलग अलग स्पेलिंग दे दी। कई बार क्या करते हैं ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, जैसे ये देंगे, ये क्या देते हैं, जैसे मिसिसिपी की स्पेलिंग देंगे ये, ठीक है? वो बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है मिसिसिपी वाला, ठीक है? देखो तो इसमें जैसे आपसे बोलेंगे कि भाई चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी और डी, ठीक है? एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था मिसिसिपी देंगे, ठीक है? तो देखो यहां पर मिसिसिपी कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है? अब बता सकते हो इसमें से कौन सी वाली करेक्ट है? बोलो। सी, अब तो देख ही ली होगी। नहीं, किसने? अच्छा ये तो सी तो पहले वाले का बता रहे हो, ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी वाली है, मिसिसिपी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर भी डबल एस है, यहां पर भी डबल एस है, और यहां पर डबल पी है, ठीक है? बाकी सब जगह सिंगल आई है, तो डबल एस डबल पी, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। तो ऐसे लाइक कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गए, और उसके बाद और बताता हूँ मैं टॉपिक आपको। हाँ, एक आपका हो गया, मतलब क्लोज टेस्ट से ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप, या फिलिंग द ब्लैंक्स कह लो या क्लोज टेस्ट कह लो, ठीक है? तो ग्रामर के बेसिस पे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और आपके क्लोज टेस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं ना आपके, ठीक है, ये कुछ पॉपुलर टॉपिक्स पर आते हैं, मतलब काफी कॉमन टॉपिक्स पर आते हैं। जैसे क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर देंगे, आर्टिकल्स दे देंगे आपको। आर्टिकल्स क्या होते हैं भाई, ए एन और द, यानी कि अगर बुक लिखा है तो बुक के आगे ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, ठीक है? या फिर अगर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है तो क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है? तो ये आर्टिकल्स के बेसिस पर आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं।
या फिर प्रिपोजिशंस के बेसिस पर। प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, इट हो गया, ठीक है, और हो गया, ठीक है, प्रिपोजिशंस हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे डिटर्मिनर्स के बेसिस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स ये भी ऐसे ही होते हैं, प्रिपोजिशंस जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है, और एन एक्सेसिव डिजायर टू स्टील इज कॉल्ड। बाकी देखो, सिनोनिम एंटोनिम तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम तो वो कहीं से भी दे सकते हैं। तो उसके लिए तो भाई आपने अपने स्कूल टाइम से जितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ रखी होगी तो तभी आप वहां पर कुछ कर सकते हो। और वैसे भी यूपी उत्तराखंड में देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन तो गलती से भी एक भी मत छोड़ना, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा होगा तुक्के तो उसमें लगाने लगाने। और इसके बाद जो है यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब के बेसिस पर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एडवर्ब के बेसिस पर, या फिर वर्ब के बेसिस पर, या फिर वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। जैसे कोई काम कर रहे हो आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो राइट, अब मान लो कोई फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया, वहां पर राइट आना है, रोट आना है, रिटन आना है, राइटिंग आना है, वो आपको देखना पड़ेगा एज पर टेंसेस, ठीक है। तो वो आपको टेंस से ही पहचान होगी उसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसी टाइप के बस फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, बाकी वो हो गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो छोड़ो, उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है जंबल वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, जंबल्ड वर्ड्स। जंबल्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि लाइक आपको क्या दिया जाएगा, या आप ये कह सकते हो जंबल वर्ड्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे जंबल वर्ड्स अगर दिए हैं, ठीक है, तो जंबल वर्ड्स अगर दिए होंगे तो मान लो ऐसे दिया होगा कि ये ऑप्शन ए है, या मान लो ऐसे दिया होगा 1 2 3, ठीक है, 4, मान लो ये चार आपको यहाँ पर दिए होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा होगा, आई ऑलवेज टेक बात बिफोर आई गो टू द स्कूल, ठीक है। तो लाइक ये चार आपको दिए होंगे, अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए होंगे, इन्हें आप जंबल वर्ड्स कह सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद क्या दिए होंगे, चार ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो ये चार सेंटेंसेस आपको दे दिए, उसके बाद ये क्या बोलेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है। ऑप्शंस कैसे देंगे, इसी के नीचे ऑप्शंस होंगे ए बी सी और डी। अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा आपका, ठीक है। ऑर्डर कैसे होगा कि थर्ड वाला पहले आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, या फोर्थ आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक ऑर्डर। उसके बाद मान लो ये लिखा है 4 1 2 3, ठीक है, ये नंबर्स में भी लिखे हो सकते हैं। जैसे मान लो, चलो मैं इसको नंबर में ही चेंज कर लेता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए मान लो लिखा है 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी है 2 3 1 4, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे मान लो ये है 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद मान लो है 3 2 4 1। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर दिए होंगे, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, बस करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमेशा जब भी इस टाइप के आया करें, देखो ये छोटे वाले तो बनाने आसान होते हैं, लेकिन जहां पर आपको एक एक लाइन के चार सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वहां पर जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको सबसे समझ मतलब समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ये सोचो कि भाई सेंटेंस जो है वो कहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है। मतलब अब आपको पता है कि भाई
अगर मान लो सेंटेंस को आप गो टू द स्कूल से शुरू करोगे, तो कभी कोई ऐसा सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं होगा अपनी लाइफ में कि जो गो टू द स्कूल से शुरू होगा, तो मतलब सेंटेंस इससे तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा, यानी कि ये तो पहले नंबर पे लिखा ही नहीं होगा। यानी कि अगर बी वाला ऑप्शन देखें तो उसमें सेकंड जो है वो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, मतलब ये तो ऑप्शन किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पता है टेक बाथ से भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, टेक बाथ से भी जो है वो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यानी कि अगर किसी ऑप्शन में वन पहले आता तो वो भी नहीं शुरू होता। ठीक है, अब उसके बाद आपको लग रहा होगा कि भाई आई ऑलवेज से जो है सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो आई ऑलवेज से आप प्रोसीड करोगे आगे, फिर उसके बाद जो है आई ऑलवेज के बाद देखोगे क्या आ सकता है। आई ऑलवेज टेक बाथ, ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबल, तो थ्री के बाद जो है वो वन आ सकता है, हमारी पॉसिबिलिटी में है। आई ऑलवेज बिफोर आई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि थ्री के बाद जो है ये फोर तो कभी भी नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में थ्री के बाद फोर दिख रहा है डायरेक्टली, तो वो ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन करके, ऐसे अरेंजमेंट करके आप सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हो वहां पे। और उसके बाद मान लो आपको ये तो पता चल गया कि थ्री जो है वो पहले नंबर पे आएगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है आई ऑलवेज, तो आई ऑलवेज गो टू द स्कूल, ठीक है, ये हो सकता था। ठीक है, आई ऑलवेज गो टू द स्कूल, ये हो सकता था थ्री के बाद टू, लेकिन उसके बाद है गो टू द स्कूल के बाद बिफोर आई टेक बाथ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। खुद ही सोचो, अगर आप ये सेंटेंस बनाते हो आई ऑलवेज गो टू द स्कूल बिफोर आई टेक बाथ, यानी कि मैं अपने स्कूल चला जाता हूँ नहाने से पहले, तो लॉजिकली देखोगे तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो ऐसे सेंटेंस तो कभी भी नहीं देगा कोई भी एग्जामिनर, तो वो चीज तो गलत हो जाएगी, यानी कि थ्री के बाद जो है वो टू तो नहीं आएगा। तो अगर किसी ऑप्शन में थ्री के बाद टू है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब कौन सा बचा आपके पास, सी वाला बचा। सी वाले ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए एक बार इस सेंटेंस को इसी ऑर्डर में पढ़ लोगे, मतलब आई ऑलवेज, उसके बाद फर्स्ट वाला टेक बाथ, उसके बाद फोर्थ वाला बिफोर आई, उसके बाद ये सेकंड वाला गो टू द स्कूल। तो आई ऑलवेज टेक बाथ बिफोर आई गो टू द स्कूल, इस टाइप से आप जो है ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना होगा कि सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। जिससे नहीं हो सकता अगर वो पहले नंबर पे लिखा है तो उसको काट दो ऑप्शन को, यानी कि वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया, लेकिन इसमें आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको इसी तरीके से इस चीज को टैकल करना होगा। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तब आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपके जंबल वर्ड्स हो गए या रीअरेंजिंग सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। उसके बाद एरर्स, ठीक है, एरर वाला भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर, एरर में क्या होता है कि सेंटेंस में आपको गलती निकालनी होती है। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा है कि आई आई एम कटिंग, या आई एम कट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आई एम कटिंग अ पेपर, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आपको पता है आई एम कटिंग अ पेपर, आप हमेशा सेंटेंस को पढ़ते हो, यानी कि मैं पेपर को काट रहा हूँ, आई एम कट अ पेपर, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एरर है। इस कट की जगह अगर कटिंग आ जाता तो ये सही होता, मतलब क्या है कि कट जो है एरर है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो एरर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे किसकी वजह से एरर आ रहा है, ए की वजह से एरर आ रहा है, पेपर की वजह से आ रहा है, कट की वजह से आ रहा है, या आई की वजह से आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा एक बड़ा सा सेंटेंस देंगे, उसमें तीन चार मतलब सेक्शंस बना देंगे उसके। जैसे मान लो ये लिखा इन्होंने, अगर कोई एरर अगर इनको देना है तो ऐसे करके लिखेंगे, आई ऑलवेज ड्रिंक, ठीक है, उसके बाद पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखा होगा, बिफोर आई गो बिफोर आई गो फॉर द ऑफिस, मान लो इस तरीके से कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे कि भाई कौन से वाले पार्ट में जो है यहाँ पर गलती आपको लग रही है, मतलब ए वाले में लग रही है, बी वाले में लग रही है, सी वाले में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाले और बी वाले तो बिल्कुल सही है, सी वाले में आपको गलती लग रही है, बिफोर आई गो फॉर द ऑफिस, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक है, या बिफोर, या यहाँ पर क्या होगा, बिफोर आई लीव फॉर द ऑफिस होगा। ठीक है, बिफोर आई लीव फॉर द ऑफिस, गो फॉर द ऑफिस नहीं होगा, लीव फॉर द ऑफिस, यानी कि मैं हमेशा पास्टराइज मिल्क पीता हूँ जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एरर वाले जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं सेंटेंसेस के फॉर्म में। क्लियर है?
तो ये आपके टॉपिक हो गए, और देख लेता हूँ अगर कुछ और टॉपिक मिलता है तो। अब देखो, वन वर्ड वाले सब्स्टिट्यूशन पे और भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, किताबें बहुत पसंद होती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन थे इसमें, रीडर, बुक वॉर्म, स्कॉलर या फिर बिब्लोफाइल। तो बिब्लोफाइल होता है, ठीक है, बुक लवर को हम क्या कहते हैं, बिब्लोफाइल कहते हैं। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, अ पर्सन फ्रॉम अनदर लैंड, यानी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरी धरती से हो। तो ऑप्शन ए था स्ट्रेंजर, फिर था अननोन, उसके बाद सी था एलियन, उसके बाद था डी इंट्रूडर। तो ऑप्शन सी एलियन जो है उसका करेक्ट आंसर है। इंट्रूडर का मतलब तो होता है जो जबरदस्ती घुसा है कहीं पर, ठीक है, वो होता है इंट्रूडर। और स्ट्रेंजर मतलब क्या हो गया, जो जिसे हम जानते नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं कहते उसको। अननोन का मतलब वो भी अपरिचित हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, और एक और क्वेश्चन है आपका, ये है फिगर ऑफ स्पीच से, ठीक है, एक और टॉपिक यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को पता है क्या कहते हैं हिंदी में, किसी को पता है? बोलो भाई, पता है किसी को? फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार होता है हिंदी में, जैसे आप अलंकार पढ़ते हो ना, ठीक है, तो वो कहते हैं, ठीक है। और बाकी एक टॉपिक लिख लेना, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये तो मैंने एक पेपर से टॉपिक निकाले हैं आपके, और उसके बाद जो है और देख लेता हूँ, 2022 के पेपर से देख लेता हूँ। इडियम्स और फ्रेसेस, भाई देखो ये भी ना बहुत अनगिनत हैं इडियम्स और फ्रेसेस, तो क्या है कि आप कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इडियम और फ्रेसेस और सिनोनिम और एंटोनिम में आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि टाइम है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, इडियम्स और फ्रेसेस, ठीक है, करने को कर सकते हो, 200-400 कर लो तो उसमें से तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हो गया। और उसके बाद जो है अब बस यही टॉपिक है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो इतना ही कर रहे हैं आपने, और इडियम्स और फ्रेसेस और जो आपका सिनोनिम एंटोनिम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास अगर टाइम है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पे, और मैं बता भी देता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने और कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अपने मोबाइल में एक वेबसाइट को खोलना है जो मैं बताऊंगा अभी, और उसमें जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जितने ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हर एक टॉपिक के उसमें क्या है, 100-100 क्वेश्चन दिए हुए लगभग, तो उतने कर लो, बहुत हैं, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो
ये ना जब भी आप कोई भी टॉपिक को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो गूगल में बस ये सर्च कर लेना, वैसे तो उसमें आ गई वेबसाइट सेकंड नंबर पे। तो जैसे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू, और इसके आगे एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, एग्जाम वेदा, ये वेबसाइट है ठीक है, एग्जाम वेदा करके, ये बस आप डाल देना गूगल में कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आप एक लिंक खोल लेना इसमें से पहला वाला, और यहाँ पे इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे जैसे आपको 6 सेक्शंस दिए हैं ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये आप ऊपर देख रहे होंगे ठीक है। तो हर एक सेक्शन में देखो कितने कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कितने क्वेश्चन लिखे हैं, 10 लिखे हैं ठीक है, इस वाले पेज पे 10 लिखे हैं। और इसी के तरीके से आपके पूरे यहाँ तक, लास्ट में अगर मैं 10th वाले पेज पे जाता हूँ ठीक है, 10th वाले पेज पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ, आखिरी क्वेश्चन जो है वो कौन सा वाला है देखो। तो 10th वाले पेज पे जब हम आए तो टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए, और ये 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक सेक्शन के, सेक्शन 1 के। तो सेक्शन 6 तक जाओगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 600, 600 हो 600। जाएंगे ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है, अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ठीक है। और जिसको जो भी डाउट होगा वो आप लोग मेरे से पूछते रहना, मतलब कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में भेज देना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, लेकिन विद आंसर भेजना ठीक है, क्योंकि मैं कोई इंग्लिश का इतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, तो ये है कि मुझे भी जो है आंसर जरूर भेज देना, सो दैट मैं भी हिंट को देख लूँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला है क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को छोड़ दे, पूरे संसार की मोह माया को छोड़ दे और सेल्फ डिसिप्लिन में रहे इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब आप समझ सकते हो ना, मोक्ष ठीक है, मोक्ष प्राप्ति जिसे कहते हैं ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसका तो इसको तो मेरे को पता ही है, मैंने पढ़ रखा है। तो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, एसेटिक ठीक है, एसेटिक। जैसे कि वो थे ना, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध थे ठीक है, या फिर महावीर जैन थे, तो इन लोगों ने यही करा था, इन्होंने सांसारिक जो जीवन था वो छोड़ दिया था, मतलब सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया था, और कहाँ चले गए थे, तपस्या करने चले गए थे। तो ऐसे जितने भी बड़े बड़े विद्वान साधु लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेटिक पीपल कहते हैं ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया ठीक है। उसके बाद डिवोटी जो इसमें लिखा है ना, बाकियों के भी मीनिंग पता नहीं यहाँ लिखे होंगे कि नहीं लिखे हैं। डिवोटी का मीनिंग क्या होता है, डिवोटी का मतलब जैसे कि श्रद्धालु समझ सकते हो, श्रद्धालु कहते हैं ठीक है। तो यहाँ देखो आपको सारे जितने भी वर्ड ऊपर ऑप्शन में दिए उन सबके मीनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सेप्टिक का मीनिंग क्या है, अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में भ्रम चलता रहता है, वो डाउट में ही रहता है हमेशा ठीक है, उसके जो विचार है वो डाउट से भरे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम सेप्टिक कहते हैं। तो ये ऑप्शंस जो दिए हैं उनको भी आपने पढ़ना है ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से बाकी 3 क्वेश्चन और आपके तैयार हो जाएंगे। अगर मान लो वहां पर डिवोटी सा आ गया कि डिवोटी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन उन्होंने लिख दी ऊपर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिवोटी क्या होता है ठीक है। अब देखो डिवोटी क्या है, यहाँ पर अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समवन और समथिंग, मतलब वही जैसे मैंने बताया ना, श्रद्धालु को भी हम डिवोटी कहते हैं, जैसे भगवान के प्रति जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा क्या रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं या फिर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्हें भी हम डिवोटीज कहते हैं ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीक्वारियन, रिलेटिंग टू और डीलिंग इन एंटीक्स और रेयर बुक्स, यानी कि जो बहुत ही रेयर बुक्स है, यानी कि जो किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, या एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब भी वही होता है जिस जो बहुत रेयरली मिले, एंटीक पीस कहते हैं ना हम लोग, तो एंटीक का मतलब जो बहुत रेयरली मिले, तो उससे डील करने वाले या उससे रिलेशन रखने वाले को एंटीक्वारी कहते हैं ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके एक क्वेश्चन से आपके टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पे ओके। अब यहाँ पर क्या है, वन हु अबेंडेंस इज रिलीजियस फेथ, देखो यहाँ पर भी अगर आपको कोई मीनिंग नहीं पता लग पाता है तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हो। अब अगर आपको अबेंडन का मीनिंग नहीं पता तो आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ठीक है। अब अबेंडन का मतलब क्या होता है, कि मतलब किसी चीज की इच्छा छोड़ देना या फिर किसी चीज को त्याग देना, अबेंडन का मतलब क्या है, त्याग देना होता है। तो वन हु अबेंडेंस इज रिलीजियस फेथ, यानी कि जो अपने धार्मिक उसको विश्वास को खत्म कर देता है, त्याग देता है, उस बंदे को क्या कहते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखोगे तो ऑप्शन ए है, एपोस्टेट ठीक है, एपोस्टेट। तो यहाँ पर लिखा है
अपो स्टेट में लास्ट वाला लिखा है, अ पर्सन हु रिनाउंसेस और अबेंडन्स अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, यानी कि जो धार्मिक विश्वास को अपनी तरफ से त्याग देता है या फिर किसी पॉलिटिकल बिलीफ को, यानी कि अगर कोई राजनीतिक कोई ऐसी मतलब वो है क्या बोलते हैं कोई बिलीफ है या कोई ऐसा इशू है उसको भी वो त्याग देता है, यानी कि कोई राजनीतिक सोच है अगर, जैसे कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है आपकी, उसकी अगर कोई बिलीफ है कि वो ऐसा मानते हैं कि भाई ऐसी चीज होनी चाहिए, तो उस बिलीफ को त्यागने वाले को भी हम एपोस्टेट कहेंगे। और प्रोस्टेट जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया था, प्रोस्टेट तो आपको पता ही होगा भाई, ठीक है, प्रोस्टेट क्या होती है, ग्लैंड होती है, अ ग्लैंड सराउंडिंग द नेक ऑफ द ब्लैडर इन मेल मैमल्स एंड रिलीजिंग अ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सीमेन। तो ये तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रोफीन, प्रोफीन क्या होता है, ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर, एक व्यक्ति या फिर उसके बिहेवियर के बारे में ये चीज हम बताते हैं प्रोफीन। प्रोफीन का मतलब क्या होता है, नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस या इररेवरेंट, इसका मतलब क्या है कि धार्मिक चीजों के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, धार्मिक चीजों को लेकर उसके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रोफेन कहते हैं, या ऐसे विचारों को हम प्रोफेन की लिस्ट में रहते हैं। प्रोफिनिटी भी इसका एक टर्म होता है, प्रोफिनिटी बेसिकली आई थिंक इसका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया है एग्नोस्टिक, इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन नोन और द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड। तो यहाँ पर ये एग्नोस्टिक का मतलब कैसा क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि भाई कुछ भी भगवान जैसा नहीं होता या भगवान जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, एग्नोस्टिक होगा। तो आपको इससे ऑप्शन से जो है सारी चीजें बाकी की भी पता चल जाएगी, और ये सारे के सारे वर्ड्स जितने आप देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर यही है कि भाई जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा ये चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, उतना अच्छा इंग्लिश में परफॉर्म कर पाओगे। तो यूपी वालों के इंग्लिश के 20 मतलब 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, और उत्तराखंड वालों के 100 में से 20 नंबर काफी ज्यादा मायने रखते हैं। तो अगर देखो आप ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं, इन टॉपिक्स के आप डेली एक एक दो दो घंटा जो है कम से कम प्रैक्टिस करो, ठीक है, हर दिन में कम से कम जो है आप 100 से 200 क्वेश्चंस कम से मतलब कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे प्रैक्टिस, और हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी नहीं होगी, फ्यूचर में जब आप मान लो नर्सिंग करते हो, नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देते हो, तो वहां पर भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तो ये सिर्फ अभी की तैयारी नहीं है, फ्यूचर में भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी उसके लिए भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज, ठीक है, मतलब ज्ञान से घृणा होती है, ठीक है, या फिर सीखने की कला से घृणा होती है, यानी कि नॉलेज को कुछ मानते नहीं कि भाई नॉलेज भी कोई चीज है, वो अच्छी चीज होती है, उससे बहुत कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही बेकार चीज है वो, ठीक है। तो इसे देखो मैं अगर इसको करूंगा तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकता हूँ, कैसे, ये बिबिलोफाइल मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या होता है भाई बिबिलोफाइल, जिन्हें बुक किताबें लवर, पढ़ना ठीक पसंद है, तो किताबें पढ़ना पसंद होती है, तो भाई किताबें अगर पढ़ना पसंद है मतलब उसे नॉलेज तो पसंद होगी, तो वो तो हेटर हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ये, अगर आपने लाइक वो वाली वीडियोस देखी होंगी जो मैंने इंग्लिश वाली अपलोड करी थी, देखिए किसी ने, उसमें मैंने ये वर्ड बताया था मिसोजिनिस्ट, यस क्या होता है सर, मिसोजिनिस्ट, जिन्हें वुमेन से नफरत हो, ह्यूमन से, वुमेन से, हाँ वुमेन से, ठीक है, वुमेन से जिसको नफरत हो वो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहाँ से चले गए। तो अब ये मिसोलॉजिस्ट भी मेरे को नहीं लग, मतलब मैं अगर जाता तो मैं फिलोलॉजिस्ट के साथ जाता, अब शायद यही हो सकता है, इसका आंसर देख लेते हैं, ये नहीं है, ठीक है, मिसोलॉजिस्ट ही है फिर, ठीक है। तो अच्छा, ये फिलोलॉजिस्ट भी आपने पढ़ा होगा, उस वाली बुक में मैंने पढ़ाया था फिलोलॉजिस्ट, अभी याद आया मेरे को, याद है किसी को फिलोलॉजिस्ट या फिलोलॉजी किसे कहते हैं, देखो अभी याद आ जाएगा आपको यहाँ पे, देखो बिब्लियोफाइल देख लिया था, फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, लर्नर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, आपको अगर याद होगा वो उस वाले बुक के एक चैप्टर में ये वर्ड था फिलोलॉजिस्ट, आ रहा है किसी को याद, यस सर, जो लैंग्वेज यस को सर, सीखना पसंद करता है उसे फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखो इसीलिए ना मैंने वो बुक के चैप्टर करवाए थे, लेकिन वो बुक ना आधी रह गई, बहुत मतलब बिजी शेड्यूल होने की वजह से, वरना वो बुक इतनी अच्छी है ना कि लाइक उससे इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस वहीं से मिल गए, तीन ऑप्शंस बल्कि, बिब्लियोफाइल भी था उसमें, बिब्लियोफाइल भी था, ठीक है। तो ऐसे आप अगर पढ़ते हो तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर,
यानी कि जो अक्षरों की शुरुआत सेम लेटर से होती है उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये ऑक्सीमोरॉन तो नहीं कहेंगे, ठीक है? देखो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलिट्रेशन, ठीक है? एलिट्रेशन क्या होता है, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग लेटर सेम होता है या उनकी आवाज स्टार्टिंग लेटर की सेम होती है, ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने बोला जैसे एरोप्लेन बोला या एविएशन बोला, तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, एविएशन या एरोप्लेन, ठीक है? तो इस टाइप के वर्ड्स जो होंगे वो एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, इस फिनोमिना को। उसी तरीके से ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपियर इन कंजंक्शन। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब वही हो गया, अलंकार जैसा हो गया। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसा फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है जहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपियर हो इन कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि आप दो चीजें बोल रहे हो लेकिन दोनों को मिलाकर बोल रहे हो और इस तरीके से बोल रहे हो कि एक दूसरे के वो अपोजिट है, ठीक है? जैसे मान लो कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि मतलब ऐसे आपने बोला कि एक व्यक्ति मर गया लेकिन उसका जीवन खत्म नहीं हुआ, ठीक है? तो आप देख सकते हो एक व्यक्ति मर गया उसका जीवन खत्म नहीं हुआ, तो ये दोनों अपोजिट चीजें आप बोल रहे हो। व्यक्ति मर भी चुका है लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई उसका जीवन खत्म ही नहीं हुआ, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो लाइक इस टाइप की अगर फिगर ऑफ स्पीच दिखती तो आप उसको ऑक्सीमोरॉन कहोगे, ठीक है? और उसी तरीके से आपको ये पन दे रखा है, अ जोक एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड और द फैक्ट दैट देयर आर वर्ड्स विच साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है? तो लाइक एक ऐसा मतलब कुछ वर्ड्स पॉसिबल मीनिंग्स हो गए किसी वर्ड के, ठीक है, जो कि अलग अलग साउंड करेंगे और मतलब एक जैसे साउंड करेंगे लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है? उसी तरीके से ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट ऑफन इन्वॉल्व शिफ्टिंग अ मोडिफायर फ्रॉम एनिमेट टू द इनएनिमेट एज इन द फ्रेजेस। मतलब ये देखो ये फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो अगर कुछ ना भी समझ आए तो एक दो चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये वाला देखो यहाँ पर आ गया, ये क्वेश्चन ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, ये बताएगा कोई क्या होगा इसका आंसर फिफ्थ वाले का, ये होगा, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था। और थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान में विश्वास रखता है। तो बस यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आज जो है आप इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो, जो डाउट होंगे वो आप मुझे ग्रुप में भेजोगे, ठीक है? तो आप देखते हैं कल तक जो है कौन कितना ज्यादा इन क्वेश्चंस को कर पाता है। तो आज कम से कम 3 सेक्शंस तो कर लो, कम से कम 300 क्वेश्चन जो है वो अगर कर पाओ तो रात में करो, 2-3 घंटे आराम से बैठ के, ठीक है? बाकी फिर कल सुबह इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही एक एक टॉपिक हम उठाते रहेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैंने बता दिया, भेज देना ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो आज यही करो, फिर बाकी